हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग दो साइंस की ये हमारी प्रैक्टिस सेट वाली सेकंड क्लास है, ठीक है, जिसमें हम ब्रह्मांड से बनने वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रही थी। तो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन करवाए हुए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी आपके सूर्य से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो ये 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप सारे क्वेश्चनों के आंसर लगाएं और अंत में कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने आपके कंटेंट वाला जो है पूरा वीडियो देखा होगा। तो इसके केवल 14-15 वीडियो हमने बनाए हुए हैं ब्रह्मांड के, जिसमें आपको बहुत डीपली सारी चीज़ें बताई हैं। आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि वो सिलेबस को कवर करते हैं तो, और फिर यदि आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं तो फिर तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मेहनत करना अपने हाथ में होता है, तो आप सारी वीडियोज़ ज़रूर देखें। ब्रह्मांड वाला जो आपका सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक दिया है सारा करा दिया है, ठीक है। अब जितने भी नए क्वेश्चन यहाँ से उठ करके आएंगे तो आपको वो क्वेश्चनों के माध्यम से हम कवर करवा देंगे। अब यहाँ पर जो है आपका, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ठीक है, तो क्लास 8th की आपने बुक देखी होगी, वहाँ पर दिया गया है आपका सौर परिवार। तो इसमें जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के भी लिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, पूरा विश्लेषण के साथ में हम देखेंगे। यहाँ चार ऑप्शन होते हैं तो चारों का आपको विश्लेषण देते हैं, ताकि आपके कहीं से भी यदि क्वेश्चन बनते हैं तो आप उनके आंसर दे पाएँ। तो ये प्रैक्टिस सेट सेकेंड है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। तो क्वेश्चन है कि सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता होगा, इससे पहले हमने पढ़ी थी तारे की संरचना, ठीक है। तो तारे में जो ईंधन होता है, हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का क्या होता है, हीलियम में नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा बनती है जो एक तारे को प्राप्त होती है। तो हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है, और इसमें पूछा है हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। तो हमने पढ़ा था तारे में कितना प्रतिशत था हाइड्रोजन, 70% था। लेकिन यहाँ पर दोनों में याद रखना है आपको, सूर्य की संरचना में जो हाइड्रोजन है इसका प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 74%, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये दिया है आपका 74% राइट आंसर है। सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन कितना होता है, 74%। हीलियम पूछ ले आपसे तो 23%, और अन्य जो तत्व होते हैं वो 2% पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सूर्य है हमारा, इसमें गैस और प्लाज्मा की अवस्था में ही पाया जाता है। इसमें चार हाइड्रोजन के अणु मिलकर के एक हीलियम बनाते हैं, तब जाकर के एक तारे को ऊर्जा मिलती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि तारों में कौन सी क्रिया पाई जाती है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया पाई जाती है। ये आपको बता चुके हैं, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि इसमें चार हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं और एक हीलियम का अणु बनाते हैं, तब जाकर के एक तारे को क्या मिल पाती है, ऊर्जा मिल पाती है। तो आप ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे, सूर्य की संरचना का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना ज़्यादा है। तो एक क्वेश्चन ए भी बन जाता है आपका। तो सूर्य का जो आकार है, आकार को ही व्यास कहते हैं, डायमीटर जिसे कहते हैं। तो सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना ज़्यादा बड़ा है आकार में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 109 गुना। ये दिया है राइट आंसर, 109 गुना। सूर्य का आकार, आकार को ही व्यास या डायमीटर कहते हैं। तो ऐसी बात करें, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 13,92,000 किलोमीटर। यदि इस तरीके से ऑप्शन है तो आपको ए टिक करना है, 13,92,000, या फिर पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो सूर्य का आकार कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है, लेकिन यह जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना गुना ज़्यादा है, 109 गुना ज़्यादा है। जबकि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना गुना है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना अधिक है, तो वो है 3,35,000 गुना। और यदि इस तरीके से दिया है तो आपको ए राइट आंसर लगाना है। और सूर्य का जीवन काल कितना है, तो जीवन काल पूछ सकते हैं। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन निकल के आएंगे आपके, कि सूर्य का आकार कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर है, पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 109 गुना। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कितना अधिक है, तो 3,35,000। सूर्य का जीवन काल कितना है, 10 अरब वर्ष है,
ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य है वो 10 अरब वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके बाद इसका अंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का परिक्रमण काल कितना होता है? तो जब हमने ब्रह्मांड वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और ग्रह हमने पढ़े थे, वहाँ आपको घूर्णन काल और परिक्रमण काल बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आप सारे वीडियो देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर हूबहू देखने को मिल जाएंगे और आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो सूर्य का परिक्रमण, परिक्रमण क्या होता है आपका? तो परिक्रमण जब भी कोई भी ग्रह हो या कोई भी तारा हो, जब किसी दूसरे ग्रह की सॉरी जब भी कोई ग्रह या उपग्रह हो, जब वो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, दूसरे तारों की परिक्रमा करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। और जब स्वयं के अक्ष पर घूमते हैं तो उसे कहते हैं घूर्णन काल। तो घूर्णन काल के कारण दिन रात होते हैं, इससे दैनिक गति कहते हैं, और परिक्रमण काल से पार्श्विक गतियाँ होती हैं। तो पूछा है सूर्य का परिक्रमण काल, तो पहला क्वेश्चन तो ये निकल के आएगा कि सूर्य किसकी परिक्रमा। हमारे जैसे ग्रह हैं तो ग्रह तो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन हमारा सूर्य भी जो है वो किसकी परिक्रमा कर रहा है? तो सूर्य हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला की परिक्रमा कर रहा है। तो सूर्य का परिक्रमण काल क्या हो जाएगा? दुग्ध मेखला का एक चक्कर पूरा लगाने को ही सूर्य का परिक्रमण काल कहते हैं। तो ये कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो जो सूर्य है वो दुग्ध मेखला की परिक्रमा कितने समय में कर पाता है? तो 25 करोड़ वर्ष में कर पाता है, और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परिक्रमा करता है। तो रफ्तार भी पूछ सकते हैं। तो ये लिया है यहाँ पर कि 25 करोड़ वर्ष लगते हैं सूर्य को एक परिक्रमण करने में आकाशगंगा का। सूर्य हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला की परिक्रमा करता है, जिसे सूर्य का परिक्रमण काल कहते हैं। और सूर्य जब अपने अक्ष की परिक्रमा मतलब जब स्वयं के अक्ष पर स्वयं का एक चक्कर लगाता है, तो उसे घूर्णन काल कहते हैं। तो पूछ ले कि सूर्य का घूर्णन काल कितना है? तो जो सूर्य है और पृथ्वी है, ठीक है, एक दूसरे से क्या है? परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो कभी तो नज़दीक होती है और कभी बहुत दूर होती है। तो जो सूर्य है इसका घूर्णन काल 25 दिन का होता है। सूर्य का मध्य भाग स्वयं के अक्ष पर घूमने में 25 दिन का समय लेता है, और ध्रुवीय भाग जो है मतलब इस तरीके से ध्रुवीय भाग हो जाएगा और ये मध्य भाग, तो जो ध्रुवीय भाग है वो 35 दिन का समय लेता है। तो याद रखेंगे सूर्य का परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष और सूर्य का घूर्णन काल 25 दिन और 35 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की संरचना में सूर्य का आंतरिक भाग नहीं है। तो सूर्य का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, उसमें दो भागों में बांटा गया। एक तो आंतरिक संरचना होती है, जिस तरह से हमारी पृथ्वी की संरचना होती, भूपरपट्टी होती है, ठीक है, मेंटल क्रोण जिसे कहते हैं, इसी तरीके से सूर्य की भी संरचना होती है। तो पूछा है आंतरिक भाग नहीं है। तो जब आपने पढ़ा होगा सूर्य की संरचना के बारे में कि सूर्य की संरचना में कितने भाग होते हैं, टोटल 6 भाग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक तो सॉरी दो भाग होते हैं और 6 स्तर होते हैं। तो एक होता है आंतरिक भाग और एक होता है बाहरी भाग, ठीक है। तो आंतरिक भाग में 3 स्तर होते हैं और बाह्य भाग में भी 3 स्तर होते हैं। तो आंतरिक भाग में 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो सूर्य का सबसे भीतरी स्तर जो होता है उसे कोर कहते हैं, दूसरा स्तर जो होता है उसे कहते हैं विकिरण मेखला, और तीसरे स्तर को कहते हैं संवहन मेखला, ठीक है। और बाहरी भाग में आपका पहला प्रकाश मंडल आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका वर्णमंडल, और चौथा आ जाता है तीसरा आ जाता है कोरोना, क्रीट जिसे कहते हैं। तो आपने देख लिया कि आंतरिक भाग कौन सा नहीं है, तो यहाँ प्रकाश मंडल, क्योंकि ये प्रकाश मंडल आपके बाह्य स्तर का भाग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ ये बताना था कि कौन सा आंतरिक भाग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल, जबकि ये तीनों ही आपके सूर्य संरचना के आंतरिक भाग इंटरनल पार्ट्स मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये दिया है यहाँ प्रकाश मंडल, सूर्य की संरचना को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक भाग और बाहरी भाग। अब यहाँ आंतरिक भाग में 3 स्तर आते हैं, कोर, विकिरण मेखला जिसे रेडिएटिव जोन कहते हैं, और संवहन मेखला जिसे कन्वेक्शन जोन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक होता है कोर में, और कोर को ही आपकी सूर्य के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, सूर्य का ऊर्जा ग्रह। तो सूर्य को सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है, ठीक। फिर होता है विकिरण मेखला, तो विकिरण मेखला में क्या होता है, जो सूर्य के पदार्थ होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर निकलते हैं। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि
कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का बाहर निकलना मतलब सूर्य के किस भाग में आता है, तो विकिरण मेखला में, और फिर संवहन मेखला, मतलब जो ठंडा पदार्थ होगा सूर्य से निकला हुआ और कुछ गर्म पदार्थ होंगे तो गर्म ठंडे की ओर विचरण करते हैं, और विचरण में ठंडा जो होता है वो गर्म की ओर होता है, ठीक है, तो ताकि इसमें जो है लेवल बना रहे। तो संवहन मेखला में चक्रीय गति होती है पदार्थों में, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, चक्रीय रूप से संवहन होता है पदार्थों का, ठीक। नेक्स्ट है बाहरी भाग में भी तीन स्तर आते हैं, प्रकाश मंडल, जो हम साधारणतया हम प्रकाश की तरफ मतलब सूर्य की तरफ देखते हैं तो जो हमें सूर्य का भाग दिखाई देता है, क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा होता है, तो वो प्रकाश मंडल ही है, ये दृश्यमान परत होती है सूर्य की। नेक्स्ट है वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर, और नेक्स्ट है कोरोना, तो ये आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जब पड़ता है ये दोनों ही जब हमें दिखाई देते हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का सबसे यांत्रिक भाग क्या कहलाता है, तो अब आसानी से आप आंसर दे देंगे, क्रोण कोर कहलाता है, ठीक। सबसे बाहरी भाग पूछ ले तो कोरोना, दिखाई देने वाला भाग प्रकाश मंडल, तो कोर सूर्य का सबसे यांत्रिक भाग है, और यह नाभिकीय भट्टी के समान है, जिस तरह से नाभिकीय भट्टी में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी तरह से सूर्य के कोर, सूर्य के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कोर से होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ताप और दाब होता है और ऊर्जा, इसे सूर्य का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, जैसे हमारा माइटोकांड्रिया हमारा ऊर्जा ग्रह होता है उसी तरह सूर्य का ऊर्जा ग्रह क्या होता है, कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के किस भाग में पदार्थों का चक्रीय संवहन होता है, तो अभी बताया सूर्य का जो आंतरिक स्तर होता है उसका तीसरा भाग होता है संवहन मेखला, यहाँ पर पदार्थों का चक्रीय क्या होता है, संवहन होता है, मतलब ठंडे से गर्म की ओर और गर्म से ठंडे की ओर, तो संवहन मेखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये दिया है कि संवहन मेखला सूर्य का तीसरा स्तर, मतलब क्रम भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको जमाना है सबसे पहले आपका कोर आता है, इसके बाद आपकी विकिरण मेखला आती है, इसके बाद आपकी संवहन मेखला, इसके बाद आपका प्रकाश मंडल, इसके बाद आपका वर्ण मंडल, और अंत में आता है कोरोना क्रीट जिसे सूर्य मुकुट कहा जाता है, तो सबसे भीतरी स्तर सबसे बाहरी स्तर, ठीक। तो पदार्थों का चक्रीय संवहन होता है संवहन मेखला में, जबकि विकिरण मेखला में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण किस स्तर में होता है, तो वो विकिरण मेखला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का वह भाग जो हम साधारणतया देख पाती हैं वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है प्रकाश मंडल, फोटो स्पीयर जिसे कहते हैं। तो देख लेते हैं प्रकाश मंडल के बारे में कि सूर्य का दिखाई देने वाला भाग प्रकाश मंडल है, यह सूर्य की ऊपरी सतह जो हमें दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश मंडल। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सूर्य की ऊपरी सतह जो हमें दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, तो प्रकाश मंडल कहलाती है। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, वर्ग दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया था कि प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस, और यहीं पर सौर कलंक की घटना देखने को मिलती है। तो ये सौर कलंक जो है इसकी खोज यदि आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे आप गैलीलियो ने की थी, और यदि आप इसे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप सारे वीडियो जरूर देखें प्लेलिस्ट में, ठीक। नेक्स्ट है सूर्य के किस भाग की आकृति डायमंड की अंगूठी यानी चंद्राकार आकृति की है, तो ये भी पूछते हैं क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्णमंडल, क्या क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर की आकृति जो है वो डायमंड की अंगूठी के जैसी दिखाई देती है, और यह हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो ये दिया है वर्णमंडल का वह भाग जिसकी आकृति डायमंड की अंगूठी के समान है वो क्या है, वर्णमंडल है, और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। नेक्स्ट है सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो सबसे बाहरी परत को कहते हैं कोरोना क्रीट या सूर्य मुकुट जिसे कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिया है कोरोना या सूर्य मुकुट, सूर्य के सबसे बाहरी स्तर को यहाँ पर हो जाएगा क्रीट कहते हैं, क्या क्रीट कहते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि एक्सरे जो किरणें होती हैं इनका उत्सर्जन किस स्तर में होता है, तो वो आपके क्रीट कोरोना स्तर में ही एक्सरे किरणों का उत्सर्जन होता है, और यह भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि सूर्य के कौन कौन से स्तर पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देते हैं, तो वर्णमंडल और कोरोना, जबकि प्रकाश मंडल हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें जो भाग दिखाई देता है सूर्य का वो प्रकाश मंडल ही होता है, ठीक है। तो एक्सरे किरणों की खोज यदि आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है रॉन्टजन ने इनकी खोज की थी, रॉन्टजन ने, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
सभी ग्रहों की ऊष्मा और प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 8th की बुक से लिया गया है, ठीक है। तो सभी ग्रहों को जो ऊष्मा मिलती है या जो प्रकाश मिलता है या जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका प्रमुख स्रोत है सूर्य। अब आपको बताया था कि तारे क्या कहलाते हैं, तारे जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो हमारा सूर्य क्या है, एक तारा है, तो ये भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। तो तारे मतलब हमारा तारा सूर्य है, और सूर्य के जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, इनको ऊर्जा ऊष्मा कहाँ से मिल रही है, इसी तारे से, सूर्य से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपसे पूछ ले कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार वस्तु कौन सी है, तो सूर्य यदि ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको चंद्रमा लगा देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सौर परिवार के सदस्य हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही है। सौर परिवार के सदस्य आपके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का, ये सभी आपके क्या हैं, सौर परिवार के सदस्य हैं। तो क्वेश्चन परिभाषा के रूप में भी पूछ सकते हैं कि सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी आपके सौर परिवार के सदस्य हैं। तो ये सभी किस में आते हैं, आपके सौर परिवार के सदस्यों में, ग्रह हो गए धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का, ठीक है। तो ये सभी सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर जो बना होता है वो हमारा सौर परिवार कहलाता है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे आपके ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्काएँ हो गई। सूर्य और इन पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो पूछा जाता है कि जो आपके सूर्य हैं या अन्य पिंड हैं वो एक नियत स्थान पर स्थित हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सौर परिवार के सदस्य हमने पढ़ लिए, कौन कौन से हैं आपके, एक तो ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का है। इसके अलावा जितने भी आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सौर परिवार के सदस्य कहलाते हैं, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन दिया है तारामंडल, तो तारामंडल आपका सौर परिवार का सदस्य नहीं माना जाता, क्योंकि ये परिक्रमा नहीं करता। अब तारामंडल के बारे में आप यदि डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो एक वीडियो डाला था हमने तारामंडल के बारे में, तो सारी क्लासें आप देख लें एक बार, फिर आकर के आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख लें आप, तारामंडल कहलाता क्या है, तो पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तो आपको ये भी बताया था कि वर्तमान में कितने तारे मंडल हैं, 89 तारे मंडल हैं, जिसमें हमने कुछ पढ़े थे, जैसे आपका सप्तऋषि होता है, ठीक है, मेरियंधा तारा होता है तारामंडल, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, ध्रुव तारा क्या होता है, माइनर और मेजर सप्तऋषि क्या होते हैं, ये पढ़ लिए थे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, तो आपको बता दें कि सूर्य के जो ग्रह हैं हमने पढ़े हुए थे, सबसे पहले आपका सूर्य आता है, सूर्य के बाद आपका बुध आता है, बुध के बाद आपका शुक्र आता है, शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण और वरुण आते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितने ग्रह हैं वर्तमान में, 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे, 9 ग्रह थे, लेकिन जो प्लूटो है वो आपकी 3 कंडीशन जो होती हैं ग्रह संबंधी वो फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8 हैं। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा आपका एक सूर्य का ग्रह नहीं है, तो सूर्य के 8 ग्रहों में बुध आता है, शनि आता है और पृथ्वी, लेकिन जो सीरियस है ये आपका ग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरियस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लाएंगे उसमें हम जितने भी क्वेश्चन आपके ग्रह से बनेंगे, ठीक है, उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि आपका जो यदि आपने टॉपिक वाइज देखे हुए हैं, जैसे ब्रह्मांड में ही बहुत बड़ा सेशन होता है, तो ब्रह्मांड में हमने बिल्कुल पहले बेसिक पार्ट शुरू किया था, उसके बाद आपको तारे निर्माण की प्रक्रिया बताई, फिर तारे मंडल बताए, फिर इनका आकार कैसा होता है, ठीक है, सूर्य कैसा तारा है। हाँ, एक क्वेश्चन और याद रखेंगे आप, सूर्य एक कैसा तारा है, तो जी टाइप का तारा है, कैसा, जी टाइप का। अब कुछ टाइप्स होते हैं तारों के, तो ये भी आप देख लें, ठीक है।
तो सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है आपका? सीरियस सूर्य का ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि हमारा सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वो तो सूर्य है। और यदि सूर्य के बाद बात करें कि सूर्य के बाद जो हमारा सबसे निकट का तारा होगा वो कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रैक्सिमा सेंचुरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी पूछते हैं कि जो दूसरा निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है ये कितने दूरी पर है हमसे, तो प्रकाश वर्ष में दिया गया है 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो ये प्रकाश वर्ष आपको बता दिया था क्या कहलाता है। ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई होती है आपकी प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। 9.46 × 10³ इस तरीके से 11 की घात है या 15 की थोड़ा सा आप देख लें। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में चमकता है? तो आपका जो ध्रुव तारा है ये किस दिशा में चमकता है हमेशा, तो उत्तर दिशा में चमकता है, वर्ग 2। ये जब पिछली बार पेपर हुए थे तो वहाँ का ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया था ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है, तो आपका उत्तर दिशा में चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हुए आज के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में हम ग्रह उपग्रह से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है, कितने ग्रह होते हैं, इनका क्रम क्या होता है, सूर्य से सबसे दूर या सबसे पास में स्थित ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप पूरे टॉपिक को कवर करें, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, तब जा करके आप इनके आंसर दे पाएंगे। और आपके यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये आप यकीन मानिए। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आती है तो शेयर जरूर करें। और आपकी यदि कोई प्रतिक्रिया आप व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो दूसरा टॉपिक है मापन, मेजरमेंट जिसे हम कहते हैं, तो ये भी हमने स्टार्ट कर दिया है। इसकी एक क्लास हो चुकी है जो प्ले लिस्ट में डली हुई है, आप देख लें। आज हम इसकी 2nd क्लास लेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।